वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं सड़ा पुल के ऊपर और यहां पर जो कार्य चल रहा है, आसपास आप देख सकते हैं जो लेबर है उसके रहने की यहां पर व्यवस्था की गई है। तेज़ी के साथ इस कार्य को पूरा करना है क्योंकि सबसे बड़ी बाधा पीलीभीत जंक्शन से जो ट्रैक आउटर से आगे जाएगा माला स्टेशन की दिशा में, उसको कंप्लीट होने में यही सड़ा पुल, इकलौता पुल अब ये रह गया है जिसका कि स्पैन आप देख सकते हैं, जो लेंथ है पुल की काफ़ी लंबी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही तरफ जो रेल बेड तैयार किया गया है, जहाँ पर ट्रैक बिछा लिया गया है, बीच में आप देख सकते हैं जो कैविटी है, डिप्रेशन है, वो बहुत अधिक है और इसके ऊपर जो पुल का निर्माण है, काफ़ी लंबाई है पुल की, अगर आप देखें तो बहुत छोटा पुल नहीं है। बीच बीच में आप देख सकते हैं आयरन के, आपको ये जो दिख रहे हैं फर्मे आप कह सकते हैं, ये डाले गए हैं और भी इस तरफ जो फाउंडेशन है वो खोदी जा रही है। ये सरिया का जाल जो कि पिलर्स के रूप में अंदर डाला जाएगा, फिर कंक्रीट फिल किया जाएगा, यहाँ जाल बांध करके सरिया का रख दिया गया है। लेवल आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर नीचे है जहाँ से फाउंडेशन उठाई जानी है। एक तरफ की फाउंडेशन कुछ हद तक तैयार हो गई है, वो भी अभी पूरी कंप्लीट नहीं है, ऊपर उसके सरिया का जाल बांध करके लेवल को ऊपर उठाया जाएगा। ये आप साइड से व्यू देखिए तो आपको आइडिया लगेगा नीचे की पक्की फाउंडेशन कितनी मजबूत यहाँ पर बना ली गई है, काफ़ी चौड़ी फाउंडेशन दी गई है और ऊपर ट्रैक आएगा। सामने जो मिट्टी का टीला आपको दिख रहा है उसके ऊपर वहाँ पर है रेल बेड और ये अभी जो सरिया ऊपर तक आप देख रहे हैं इसमें कॉन्क्रीट भरा जाएगा। इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो बढ़ाई जाएगी इस पुल की। इस दिशा से आप देखिए सामने रेल बेड है जिस पर ट्रैक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुल की स्थिति है क्या है। बारिश आने वाली है और अभी जिस प्रकार से जितना कार्य इस पुल का हो पाया है, इधर से आप देखिए, ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर और पिलर बनाया जाएगा, यहाँ पर भरौती की जाएगी, मिट्टी भरी जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर जब ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर फिर जो सीमेंटेड गर्डर्स हैं आप कह सकते हैं या स्लैब्स हैं उसको रखा जाएगा। और अभी मुझे लग रहा है इस काम को देख करके कि अक्टूबर का महीना आ जाएगा, क्योंकि जुलाई अगस्त दो महीने जब भीषण बारिश होगी तो यहाँ पर जो नाला है ये आप देख सकते हैं पानी इसमें काफ़ी फ्लो बढ़ जाता है, तराई का क्षेत्र है। तो आप मान के चलिए कि ये कार्य जो लग रहा था, कार्य की स्पीड जब चल रही थी कि जल्दी ही इसको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब इसकी स्थिति को देखकर लग रहा है कि अक्टूबर आ जाएगा बहुत आराम से, क्योंकि दो महीने बारिश में यहाँ का जो कार्य है उसमें बहुत बाधा आएगी, क्योंकि अभी यहाँ पर फाउंडेशन का दूसरी तरफ जो हिस्सा है बेस वो तैयार किया जाएगा, तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार से अब ट्रैक पैकिंग मशीन पहुँच गई है माला के आउटर पे, माला के स्टेशन के ऊपर, आपने देखा पूर्व के वीडियो में कि अब कॉन्क्रीट स्लीपर्स को बिछाने का काम शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर अभी इस पुल के बनने में आप मान के चलिए कि अक्टूबर, हो सकता है नवंबर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस प्रकार से ढकाताल के पुल पर, शाहजहाँपुर के आउटर पे आपने देखा कि समय लग गया, उसी प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ब्रिज को बनाने में समय लगता है क्योंकि इसका स्पैन जो है काफ़ी है। और यहाँ पर जिस प्रकार से अभी कार्य चल रहा है, बरसात में यहाँ नीचे सब पानी भर जाएगा। दो महीना आप मान के चलिए, अब जुलाई और अगस्त जो सड़ा पुल का कार्य है इसमें निश्चित ही विलंब आएगा, देरी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, तेज़ बारिश पड़ती है यहाँ पर। तो पीलीभीत से जो माला तक ट्रैक वर्क है उसमें ये जो हिस्सा है हमारा सड़ा पुल का, इसको पूरा होने में अभी आप मान के चलिए 3 से 4 महीने कहीं नहीं गए हैं, 4 महीने से अधिक ही लग जाएंगे, क्योंकि पुल की मजबूती बहुत ज़रूरी होती है। और इतनी जल्दी अभी मुझे नहीं लगता है कि दूसरी तरफ से जो फाउंडेशन अभी बनाई जाएगी उसको खड़ा किया जाएगा, या कॉलम्स यहाँ पर जो पिलर बीच में दिए जाएंगे जिसके ऊपर से सीमेंटेड स्लैब्स जो हैं उनको रखा जाएगा और पुल की जो है फिर तैयारी की जाएगी, मिट्टी भरी जाएगी, उसके ऊपर फिर रेल बेड आएगा, फिर कंक्रीट स्लीपर्स बैलेस्ट को बिछा करके उसके ऊपर लगाया जाएगा और जो रेल्स वेल्ड करके रख गई है वेल्डिंग मशीन, उनको क्रेन की सहायता से फिर आगे खिसकाया जाएगा। पास में यहाँ पर आप इस तरफ से आप देखिए, अभी इसको बहुत ऊँचा उठना है और सामने की दिशा में दूसरी तरफ अभी पीलीभीत की साइड भी यहाँ पर कार्य होना अभी बाकी है।
तो कार्य अभी आप देख रहे हैं कि अभी इसमें काफ़ी समय लगेगा और मान के चलिए अक्टूबर तो बहुत आराम से हो सकता है, नवंबर दिवाली आ जाए। स्लैब्स पीछे रखे हुए हैं, या आप नज़दीक से देखिए, यहाँ पर पीछे आपको स्लैब्स दिख रहे होंगे, कंक्रीट के स्लीपर्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं। सामान तो पहुँच गया है, लेकिन इस पुल को बनने में अभी जो मेरा अंदाज़ा है, दिवाली आ जाएगी ऐसा लग रहा है। रेल्स भी ला करके यहाँ रख दी हैं, इधर ट्रैक के ऊपर आप देख सकते हैं जो रेल्स इस पुल के ऊपर से जाएंगी उनको भी वेल्ड करके यहाँ रख दिया गया है, जो क्रेन से बाद में खिसकाई जाएंगी। और कंक्रीट स्लीपर्स भी यहाँ पर चट्टा पूरा रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कंक्रीट स्लीपर्स बाएं हाथ पे रखे हैं। सामने जो दूर पर आपको लंबे लंबे दिख रहे हैं स्लैब्स, कंक्रीट के गर्डर्स जैसे मोटे मोटे, उनको रखा जाएगा। जब ये पिलर्स वगैरह सब तैयार हो जाएंगे पुल के ऊपर, तो सामान तो आ गया है सड़ा पुल के पास। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें ढेर है, कंक्रीट के स्लीपर्स भी रखे हैं, रेल्स भी रखी हैं। अब आगे चलते हैं सड़ा पुल से थोड़ा, जहाँ पर एक लेवल क्रॉसिंग तैयार की जा रही है, वहाँ का हाल देखते हैं देवरी की दिशा में कि यहाँ पर क्या स्थिति है। इसका भी जो काम चल रहा है, जहाँ पर फाटक हमारा ऑपरेट होगा, बूम ऑपरेट होंगे, जो हमारे गेटमैन का यहाँ पर केबिन बन रहा है, उसकी लेवल भी ग्राउंड लेवल से अगर हम कहें तो बहुत ऊँची आ रही है। रेल बेड बहुत ऊँचा डाला गया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अभी जो ट्रैक है बैलस्ट फिल होगा, इसमें उसको भरा जाना है, पेंड्रोल क्लिप्स लगाए जाने बाकी हैं। इस दिशा में भी जो यहाँ पर OHE का काम होना है, अभी मास्ट वगैरह डालने का वो कुछ नहीं हुआ है, तो उसमें भी समय लगेगा। जबकि पक्की फाउंडेशंस बना के जो सड़ा पुल है उतना एरिया छोड़ देना चाहिए, बाकी में जो बचे हुए ब्रैकेट्स लगाने का काम है, या OHE जो मास्ट अभी डालने का काम है, जो बची हुई फाउंडेशंस हैं, या जो आगे कार्य भी OHE का करना है, कम से कम उसको भी कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक वर्क है। यहाँ से आप ऊँचाई देखिए, काम चल रहा है फिलहाल, ये अच्छी बात है। गेटमैन का यहाँ पर केबिन जो है तैयार हो रहा है, नीचे मिट्टी का देख सकते हैं आप टीला लगा है, कितनी हाइट पर यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, जो कि गेट को संचालित करेगा। यहाँ से हम पीछे की दिशा से आपको दिखा रहे हैं व्यू, इसके सामने उस तरफ ट्रैक है जो देवरी की दिशा में जाएगा, माला के स्टेशन की दिशा में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी हाइट पर ये बन रहा है, और ये नीचे से आने का रास्ता है किसी गाँव को जाने का। तो अभी यहाँ पर जो ट्रैक के कार्य हैं उनको फिनिश करते करते, सड़ा पुल के ऊपर से कंप्लीट करते करते, ये लेवल क्रॉसिंग है, दो पार्ट्स में वीडियो हम कर रहे हैं। पहला पार्ट आपने देखा, ट्रैक वर्क हमने उसमें मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की, दिखाया आपको। यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग बनाई जा रही है, एक नहर के पास भी अनमैंड लेवल क्रॉसिंग थी, वहाँ पर भी ग्रामीणों का ज्ञापन DM को दिया गया है कि वहाँ पर क्रॉसिंग रखी जाए। तो फिलहाल ये थी एक छोटी सी अपडेट सड़ा पुल से।